हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द टॉप एवरीथिंग। शाहरुख खान। दोस्तों, शाहरुख खान को आज के टाइम पे कौन नहीं जानता होगा। इन्हें हम किंग खान बादशाह और बॉलीवुड किंग ऑफ रोमांस से भी जानते हैं। दोस्तों, शाहरुख किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं हैं, क्योंकि शाहरुख सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपने काम से मशहूर हैं। मैं आपको बता दूं, शाहरुख ने 1980 में टेलीविज़न से अपने करियर की शुरुआत की और 1992 में फिल्म दीवाना से बॉलीवुड में एंट्री की, और इसके बाद इन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। और कामयाबी की एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए शाहरुख अब तक करीब 80 से ज़्यादा फिल्म कर चुके हैं और ये वर्ल्ड के रिचेस्ट एक्टर के लिस्ट में शामिल होते हैं। तो इस वीडियो में शाहरुख खान की महंगी चीज़ के बारे में बताने वाले हैं, जो कि सिर्फ करोड़पति ही खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को एंड तक देखना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो कर देना लाइक और चैनल कर लेना सब्सक्राइब। नंबर वन, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट। दोस्तों, शाहरुख खान अपनी एक्टिंग के साथ ही साथ प्रोडक्शन हाउस रेड चिलीज एंटरटेनमेंट से भी मोटी कमाई करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि रेड चिलीज से पहले शाहरुख खान ने अपने कुछ दोस्तों और जूही चावला के साथ मिलकर ड्रीम्स अनलिमिटेड नाम की कंपनी खोली थी, लेकिन उससे कुछ ज़्यादा फायदा नहीं हुआ और फेल हो गई कंपनी। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 और 2018 में रेड चिलीज की कुल इनकम 400 करोड़ रुपये थी। नंबर टू, कोलकाता नाइट राइडर्स। दोस्तों, जब 2008 में आईपीएल शुरू हुआ था तो शाहरुख खान ने 7.5 करोड़ डॉलर यानी लगभग 530 करोड़ रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स की फ्रेंचाइजी खरीद कर सबको हैरान कर दिया था। और इन्होंने इस टीम में जूही चावला के पति जय मेहता के साथ खरीदा था। इसके अलावा शाहरुख खान के पास कैरिबियन प्रीमियर लीग की टीम ट्रिनबगो नाइट राइडर्स और T20 ग्लोबल लीग की टीम केपटाउन नाइट राइडर्स के भी मालिक हैं। हाउस। दोस्तों, शाहरुख खान का बंगला सी फेसिंग मुंबई महाराष्ट्र में है, जिसका नाम मन्नत है और ये दिखने में काफ़ी लग्जरी है। और ये घर इनका 26,328 स्क्वायर फीट में है और इस घर में काफ़ी नई फैसिलिटीज़ है, जैसे कि ड्राइंग रूम, लाइब्रेरी, जिम, स्विमिंग पूल, ऑफिस, गेस्ट रूम, एंटरटेनमेंट रूम, कार पार्किंग एरिया, बॉक्सिंग रिंग और टेबल टेनिस टेबल। और दोस्तों, ऐसा कहना है कि इस घर में आराम से 250 लोग रह सकते हैं। और ये घर शाहरुख खान ने 2001 में लगभग 13 करोड़ रुपए में ख़रीदा था और अब इस घर की कीमत 200 करोड़ रुपए है। और इसके अलावा शाहरुख खान के पास दुबई में प्राइवेट आइलैंड होम भी है, जिसका नाम पाल्म जुमेरिया है, जिसमें प्राइवेट पूल, रिमोट कंट्रोल गैरेज के साथ एक बीच भी है और इस घर की कीमत 20 करोड़ रुपये है। और दोस्तों, शाहरुख खान के पास लंदन में भी विला है, जैसे कि आप इन पिक्चरों में इनका विला देख सकते हैं और इस विला की कीमत है 172 करोड़ रुपये। कार्स। दोस्तों, शाहरुख खान कार के शौकीन हैं और इनके गैराज में आपको ज़्यादातर लग्जरी कार ही मिलेंगी। इनके पूरे कार कलेक्शन की बात करें तो लगभग इनके टोटल कार कलेक्शन की प्राइस है 40 करोड़ से भी ज़्यादा। तो दोस्तों, देखते हैं इनके पास कौन कौन सी कार है। तो इनके पास ऑडी A6 है, जिसकी कीमत है 55 लाख रुपये, और दूसरी कार इनके पास है BMW 6 सीरीज, जिसकी कीमत है 78 लाख रुपये, और इनके पास टोयोटो लैंड क्रूजर प्राडो भी है, जिसकी कीमत है 94 लाख रुपये। इनके पास मित्सुबिशी पजेरो भी है, जिसकी कीमत है 35 लाख रुपए, और इनके पास BMW 7 सीरीज़ भी है, जिसकी कीमत है 1 करोड़ 41 लाख रुपए। और दोस्तों, रोल्स रॉयस फैंटम ड्रॉप हेड कॉप भी है, जिसकी कीमत है 8 करोड़ रुपए, और बेंटले कॉन्टिनेंटल GT भी है, जिसकी कीमत है 4 करोड़ रुपए। और दोस्तों, इनके पास BMW i8 है, जिसकी कीमत है 2 करोड़ 14 लाख रुपए, और इनके पास बुगाटी वेरोन है, जिसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए, और ये इनकी कार कलेक्शन में सबसे महंगी कार है। इसके अलावा शाहरुख के पास एक वैनिटी वैन भी है और ये वैनिटी वैन काफ़ी खूबसूरत है और काफ़ी नए फीचर्स है इसमें, जैसे कि लार्ज पेंट्री, वार्ड्रॉप सेक्शन, इनबिल्ट शोर यूनिट, इलेक्ट्रिक चेयर, लार्ज फ्लैट स्क्रीन TV। दोस्तों, ये वैनिटी वैन दिलीप छावरिया ने डिज़ाइन किया है और इस वैनिटी वैन को बनने के लिए 40 से 60 दिन लग गए हैं। और बात करें इसके प्राइस की, तो इसके प्राइस है 4 करोड़ रुपये। प्राइवेट जेट। दोस्तों, शाहरुख खान के पास खुद का जेट भी है, जिससे वो कभी कभी सफ़र भी करते हैं और इस जेट की कीमत लगभग 350 करोड़ रुपए है। किड्जानिया मुंबई। दोस्तों, किड्जानिया एक पार्क है जो कि इंडिया के थीम पार्क में से एक है और ये मुंबई में है, और इस पार्क में बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए तरह तरह की फैसिलिटीज़ है। और मैं आपको बता दूँ, शाहरुख खान इस पार्क से भी अच्छी खासी कमाई कर लेते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगे हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो कर देना लाइक। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लेना, और हमें कमेंट करके ज़रूर बताना नेक्स्ट वीडियो किस सेलिब्रिटी के बारे में चाहते हैं।